और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस या रियल एनालिसिस, जो भी आप बोलें, उसका एक टॉपिक है बीटा फंक्शन। अब हम लोग बीटा फंक्शन की बात करेंगे। सो ये आप इंटीग्रेशन का टॉपिक है। ओके, दिस टॉपिक इज नॉट इन क्लास 12th सीबीएसई सिलेबस, लेकिन एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जेई मेन्स और एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम एक फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, बीटा फंक्शन। ओके, फॉर द प्लस टू स्टूडेंट मे बी हम एक दो जो वर्ड यूज करेंगे उन्होंने नहीं पढ़ा है, उसकी जरूरत भी नहीं है इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटीग्रेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। एक्चुअली एक कन्वर्जेंट होता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एन। अब कन्वर्जेंट क्या होता है? सो क्योंकि प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए अभी उन्होंने ये कन्वर्जेंट नहीं पढ़ा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक इनफाइनाइट सीरीज होती है और वो एक पॉइंट की तरफ, जैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप लाइट का पढ़ते हैं ना, कि अगर एक पॉइंट की तरफ कोई चीज जा रही है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है, और अगर वो कहीं दूर स्कैटर्ड हो रहा है तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट है। सो इन द सेम वे, ये कोई भी सीरीज जब किसी एक पॉइंट की तरफ, फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाती है तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। तो ये इंटीग्रल एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, और अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब कि ये एम एन का एक फंक्शन है, और दैट मीन दिस इंटीग्रल इज ए फंक्शन ऑफ एम एन, और इसी को हम लोग बीटा फंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी एम एन। सो बी एम एन इन द बीटा एम एन इज 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल। इसको यूलर ने ड्राइव किया था, तो इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसके हम सिमेट्री चेक करते हैं, दैट मीन सिमेट्री ऑफ द बीटा फंक्शन। हम लोग प्रूव करेंगे बीटा एम एन जो है वो बीटा एन एन के इक्वल होता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बीटा एम एन जो है वो इक्वल होता है 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन। ना क्या करते हैं कि लेट अस चेंज एक्स को एक्स टू वन माइनस एक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं, वॉट विल हैपन टू दिस। अगर हम एक्स को वन माइनस एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये एक तरह से एक फॉर्मूला भी है ना, 0 to a में कन्वर्ट करना एक फॉर्मूला भी है। सो व्हाट विल हैपन टू दिस बीटा एम एन, बीटा एम एन को क्या हो जाएगा? बीटा एम एन इज, इट इज 0 to 1 वन माइनस एक्स टू पावर एम माइनस वन, और यहाँ हम क्योंकि x को हमने 1 माइनस एक्स पुट किया है, सो इट विल बिकम x टू पावर n माइनस वन डी एक्स, राइट ना। हमने जहां पर x लिखा हुआ था वहां पर 1 माइनस एक्स पुट कर दिया है ना, राइट। आप लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं प्रॉपर्टी में, कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो है वो 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। अब जरा देखिए क्या लग रहा है, इसमें और इसमें दोनों में एम एन ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया ना। सो कैन आई से कि दिस वन इज इक्वल टू बीटा एम एन, वी कैन से बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। हम इस सिमिट्री फॉर्मूले को, इस सिमिट्री को यूज करके बीटा एम एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। द ऑनली थिंग इज, मतलब दिस कैन बी यूज टू इवेल्युएट इट, बस सिर्फ होना चाहिए कि एम एन जो है इसमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीग्रल है तो दिस कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, यानी हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने इसका वैल्यू लिखा हुआ है कि बीटा एम एन जो है वो फैक्टोरियल एम माइनस एन, फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन के इक्वल होता है। कैसे होता है, आइए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट इट। सो वी नो दैट, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, वी नो दैट बीटा एम एन इज 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस वन एंड 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, राइट। ये आप जानते हैं, आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय टेकिंग दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, क्या इंटीग्रल होगा, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो इंटीग्रेशन विल बी 1 माइनस एक्स टू पावर एन, एक ऐड हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय माइनस एन, सो हियर इट इज 0 to 1 माइनस 0 to 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डायरेक्ट विल बी एम माइनस वन एक्स टू पावर एम माइनस टू,
ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस एक्स टू पावर एन द होल डिवाइड बाई माइनस एन डी एक्स। हमने सिर्फ क्या क्या इंटीग्रेट किया है, वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे ये, तो ये पूरा जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ब्रैकेट के बाहर ध्यान से देखिए क्या है, एम माइनस वन एन इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स टू पावर एम माइनस टू एंड वन माइनस एक्स टू पावर एन, राइट ना। यानी आप क्या ये बोल सकते हैं कि बीटा एम एन जो था वो इक्वल किसके आ गया, एम माइनस वन एन। ओके, यहां हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी बीटा वैल्यू लिख रहे हैं, यानी यहां क्या कर रहे हैं, पावर को, पावर एक और रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया ना, ये लीजिए रिड्यूस हो गया, और यहां पावर इंक्रीज कर गया। सो यू मे कंसिडर दिस वन ऑल्सो एज ए फॉर्मूला, आप इसको भी फॉर्मूले की तरह ले सकते हैं। यानी हमने क्या किया, एक बार इंटीग्रेट किया है इसको फर्स्ट फंक्शन लेके, और हमें इस तरह का एक, नाउ वी हैव ए रिजल्ट ऑफ दिस टाइप। अब क्या करते हैं, इसको हम फर्दर, अगर इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, दैट मीन अगर हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, इस नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर एक और डिक्रीज कर जाएगी। यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा ये एम माइनस वन, सो वी गेट एम माइनस टू, यहाँ क्या जाएगा एन के बाद एन प्लस वन, एंड इट विल बी रिड्यूस टू बीटा एम माइनस टू एन प्लस टू, ना ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू एग्रीड विद मी और नॉट, एंड सो ऑन। अगर ये इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएं, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हम एम माइनस वन लिखेंगे, एम माइनस टू लिखेंगे, एम माइनस थ्री लिखेंगे, एंड अप टू हम सपोज को वन तक लेके जाते हैं, राइट। यहां क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन, इज इट एन प्लस टू और एन प्लस एम माइनस टू। इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ यू आर गेटिंग दिस, एंड एट लास्ट यहां देखिए क्या हो रहा है, हम जो भी टर्म यहां लिखेंगे, तो जैसे ये टर्म जो लिखा हमने यहां वही टर्म लिखा है, राइट ना, और जिस टर्म को हमने यहां लिखा है, नहीं जिस टर्म को हमने यहां लिखा उससे एक ज्यादा लिखा है, तो इसे एक ज्यादा लिखते हैं, एन प्लस एम माइनस वन। सी वन मोर थिंग, आप ऐसे समझिए, फर्स्ट टर्म यहाँ वन है तो यहाँ जीरो है, यहाँ टू है तो यहाँ वन है, नहीं जितना पावर यहाँ एक एक पावर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ एक एक पावर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ तक पहुँच गए, हम वन तक ले गए इसको, नहीं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, एम टर्म्स ना, तो ये भी क्या होगा, एम टर्म्स इंक्रीज कर जाएगा, सो इट बिकम एम प्लस एन, एन प्लस एम माइनस टू। अब इसको अलग से सॉल्व कर लिया जाए, यानी हम क्या करते हैं, लेट अस कैलकुलेट बीटा 1n प्लस एम माइनस वन, सो इट इज 0 टू 1, x में पुट करो, सो ये आएगा 1 माइनस एक्स टू पावर n प्लस एम माइनस टू dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से यू विल गेट 1 ओवर दिस ना, इसको पुट कर देते हैं, सो नाउ वी हैव बीटा एम एन किसके इक्वल हो गया, इट विल बी m माइनस वन m माइनस टू एंड गोज अप टू वन द होल डिवाइड बाय n, n प्लस वन, n प्लस टू एंड एट लास्ट n प्लस m माइनस वन। ओके, इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको फैक्टोरियल n माइनस वन से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल m माइनस वन, हियर यू विल बी फैक्टोरियल n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, यहां से आइए n प्लस एम माइनस वन से हम रिड्यूस करते n तक आए, उसके बाद फैक्टर n माइनस वन लिख दिया हमने, सो इट विल बी ये हो जाएगा m प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, क्या किया हमने, हमने देखिए m माइनस वन से वन तक जा रहा था, यहां n से लेके n प्लस एम माइनस वन तक, हमने फैक्टोरियल n माइनस वन से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया है, सो इसको ऐसे रीड करेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए एन प्लस एम माइनस वन से लेके हम एन तक आए, और एन के बाद ये फैक्टोरियल एन माइनस वन है, यानी पूरे का फैक्टोरियल हो गया, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीटा। अब क्योंकि बीटा को हमने फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सो सी अगर एम और एन पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इस बीटा फंक्शन की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम इस तरह के इंटीग्रल्स को, ये जो बीटा फंक्शन सी, इस तरह का को कोई भी इंटीग्रल, अगर आप इस तरह के किसी भी इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे
और इसमें अगर n और n आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस, आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सो डियर फ्रेंड, इस हमने छोटे से वीडियो में हमने बीटा फंक्शन को समझने की कोशिश की है कि बीटा फंक्शन क्या है, हमने बीटा फंक्शन की सिमेट्री का फॉर्मूला ड्राइव किया है और हमने बीटा फंक्शन को हाउ टू इवेल्युएट इट, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम लोगों ने लर्न किया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग गामा फंक्शन को स्टडी करेंगे, और साथ में तो हम लोग इसके कुछ और प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पर आपको 9 से लेकर 12 तक के मटेरियल नहीं बल्कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और हम लोग साथ में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मोर देन प्लस टू, जो प्लस टू से ऊपर के कुछ टॉपिक्स हैं जो इनडायरेक्टली जेई मेंस या एडवांस में यूजफुल है, उनकी भी वीडियोज़ को प्रोवाइड करें आपको। थैंक यू वेरी मच।